पड़े गए हो, ठीक है। पास आके देखा तो गंजे उछल रहे। भागो ना, भागो ना, पागल पागल भागो ना। ओए ओए ओए, सुपर सॉफ्ट डोरा केक विदाउट बेकिंग पाउडर इन पैन। चार जल गए। मिया मिया। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। आज जो है ना घर पे कुछ एंटरटेनिंग करने को था नहीं, तो मैंने सोचा कि मजे का कोई केक बना लेती हूँ घर पे। पहले उसके इंग्रेडिएंट्स लेकर आते हैं, फिर घर आकर उसको कुक करते हैं, फिर घर वालों को टेस्ट करवाते हैं और उनके रिएक्शन देते हैं। भाई फातिमा की कुकिंग कैसी है, लेट्स सी। मैं सारा खाना खराब करूंगी मैं, ठीक है। हमने इंग्रेडिएंट्स लेने जाना, आप हमें लेके जाएंगे? ये है नहीं, एक सेकंड। हमने कहा है कि हमारे साथ इंग्रेडिएंट्स लेने से लेकर नो वन बट पापा। हाँ ना, क्या है आज पापा खिड़की के नीचे आ गए? आज तुसी फड़े गए हो, आज तुसी फड़े गए हो, ठीक है। खिड़की के नीचे आए हो, खिड़की के बीच में आ गए। आज तुसी फड़े गए हो, तुसी साढ़े नाल लैन जाना, अज सामान लैन जाना, ठीक है, रेडी हो? ओके, मैं लैन जाऊंगा। ओके, ठीक है। छोटी डोरा, ज़ैनब तुम डोरा नहीं लग रही, तुम पता है किसके जैसी लग रही हो? यार सौरभ जोशी जो है ना वो व्लॉगर, उसके जैसी ज़ैनब का हेयर कट पूरा पूरा। गाइस आप लोग कमेंट्स में बताओ कि ज़ैनब सौरभ जोशी जैसी लग रही है कि नहीं। और नहीं लग रही, पूरे लड़कों वाले पूरे मानो कसम से इतना ग्रो कर रही हूँ कि इससे भी ज्यादा ग्रो कर रही हूँ। बड़ा लगता है मेरा छोटा बच्चा ग्रो कर रहा है, सौरभ जोशी ग्रो कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। नहीं नहीं, तुम ज़ैनब फैसल। मैं बता दूं मैं क्या लगती हूँ, वो कौन थी जो किसी वाल तो मूवी देख रही थी? प्रीति ज़िंटा। प्रीति ज़िंटा लगती है। इसके पीछे शक्ल देख अपनी। घर के बाहर बेल हुई है, आई डोंट नो कौन आया, लेट्स सी। तो भाई घर के बाहर ये छोटे छोटे फैंस आए हैं केक लेकर। अंदर से केक कहाँ गया है? फ्रिज में। बड़ी फास्ट सर्विस है, 2 मिनट में अंदर से केक निकाला और फ्रिज में रख दिया। इस वीडियो पे जो थे ना यूट्यूब पे 1.8 मिलियन व्यूज थे, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो से देख के डोरा केक के इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं, वो लेने जाते हैं, उसके बाद घर आके उसको कुक करते हैं। नहीं, मजा होता बने जब तुम अपनी रेसिपी दो लोगों को। मुझे तो आता ही नहीं है ब्रो बनाना, मैं तो यूट्यूब से देख रही हूँ। गाइस ये होते हैं छोटे कुक्स, चोर कुक्स। चोर कुक दिखाओ। अभी तो यूं ही करो, तुम ये करती हो, ये किया तो उसको तुम ये करती हो, तो फोकस आउट हो रहा था, समझ आ गया? अबे चल निकल। हम लोग इंग्रेडिएंट्स लेने जा रहे, चलो मानो चले, उड़ जो मानो चले, चलो गाइस लेट्स गो। राबिया ने भाई अपना कुछ लेना है, उसके लिए साथ जा रही है मेरे। गाइस हम लोग एक गाय को देख लिया, हम उसके पास जा रहे हैं। राबिया मम्मा बुला रही है, मानो ये मारेगी, वही हमारे पास आ रही है। ए राबिया घर चल, राबिया घर चलो, गाइस राबिया हमारे हाथ से निकल चुकी है। रुक जाओ, हमें तो लेते जाओ। पापा बहुत चलाक आदमी है, उन्होंने कहा है कि तुम गाड़ी खुद चला के जाओ, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ। यू आर वेरी चलाक, आपने आज सबूत दे दिया कि आप मेरे ही अब्बू हैं। देखा मेरी चलाकी, मैं समझ गई आप बहुत चलाक। ही इज वेरी चलाक। चलो भाई फटाफट इंग्रेडिएंट्स लेकर आते हैं आप। इससे से लिफ्ट से जाते हैं। ये पकड़ेंगे आज, थोड़ा सा सामान है ना तो इसमें ऐड कर लेंगे। फातिमा तुम्हें शर्म नहीं आई वाली जी छोटी पकड़ते हुए? मैदा तो मिल गया, हटो। पिसी हुई चीनी भी ले ली है, ये मिल्क पाउडर भी ले लिया, सोडियम भी ले लिया, चलो ने वेनिला एसेंस भी ले ली, मिल्क भी ले लिया, लास्ट पे जो ऊपर न्यूटेला लगाना है वो भी ले लिया, जान प्रोडक्ट सारी ले लिए। क्या कह रही है? मुझे मजा आ रहा है दिल कर, अभी सब खा। अभी घर जाके जब बनाएंगे ना तो बहुत मस्त किस्म का डोरा केक बनने वाला है मेरा सारा। रखो इसको नीचे, जब घर जाके डोरा केक्स बनाएंगे ना यम किस्म के बनेंगे। अब वो शेफ वाली कैप भी ले ले। यार मैंने तो अपना सामान लिया ही लिया था, साथ में तुमने अपना टोकरा अलग सजा लिया है। एक शेफ हैट भी ले लिया, सारा सामान ढूंढवाने में क्या क्या लेना था वो सारी इन्होंने हमें हेल्प आउट, थैंक यू आजम। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं घर, ये मैं कैप लेकर आई थी, अब इसको पहनती हूँ, पता नहीं इसको पहनते कैसे हैं। तो गाइस कैप पहन ली है, अब प्रोसेस करते हैं डोरा केक को बनाना। ये सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं तो स्टार्ट करते हैं। दूर से देखा तो अंडे उछल रहे थे, पास आके देखा तो गंजे उछल रहे थे। उछलो उछलो गंजे उछलो। एक कप जो है मैदा डाल, मैदा डालना, फ्लोर 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 नहीं है मैदा है, सॉरी सॉरी मैदा, ये सॉरी मैदा। हम थोड़ा सा और डाल लेते हैं क्योंकि हमारा टब्बर ज्यादा है। अब डालना है आधा कप शुगर, और क्या डालना है? यूट्यूब खोलना, मिल्क पाउडर खोलो, ये मिल्क है। उसमें कितना डाला मिल्क? जितना क्रीमी होगा उतना यही होगा। चौथाई हिस्सा जो है वो मिल्क पाउडर डालना है। खा ले तू पहले,
रिच फ्लेवर। फातिमा की रेसिपी देखो, सुपर सॉफ्ट डोरा केक विदाउट बेकिंग पाउडर इन पैन, बिल्कुल इतना सा बेकिंग सोडा। अब जो है एक चुटकी इसमें नमक, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रहे? ऐसे डालती ना, एक चुटकी नमक, एक बड़ा चम्मच, ये इतना बड़ा नहीं, इससे छोटा है बड़ा, उसने देखो इतना बड़ा नहीं। हाँ नया चम्मच लेके आओ। हमारे पास अवेलेबल है 6 स्पून जो है ना हनी। ओ हो हो हो, अंडा नहीं डाल, अंडा नहीं। 1/2 टीस्पून जो है वेनिला एसेंस डाल। ठीक रहा। ये क्या, ये खुल ही नहीं रहा यार, वेनिला एसेंस हमारा। ओ खुल गया, ये डल गया वेनिला। 3/4 कप दूध लिए मैंने यहाँ, 3/4 कप मिल्क डालना है थोड़ा सा इसमें। अब मिक्सचर लेके आओ, थोड़ा सा मिल्क आई थिंक सो और ऐड, काफी पतला। रुको मैं करूंगी, मैं करूंगी, बहुत पतले का लग रहा है, बंद करो इसको। अब मैं खुद शेफ हो गई हूँ, अब बंद करो यूट्यूब से देखना। फातिमा इसको बस पकाना है। ओ मैं तो पहली बार मशीन यूज कर रही हूँ। देसी पेरेंट्स बी लाइक, टैंक के डिब्बे में देसी घी। अच्छा मैं टक टक चम्मच से नहीं करना, मैंने काम नहीं किया है कब से, मैंने भी नहीं किया, मैं कब से ब्लॉग बनाती हूं, इन फाबा बिस्कुट को मैंने कब से काम नहीं किया। सड़ जाएगा पीछे, मेरी है किस चीज के लिए? बस ऊपर लगाने के लिए, तुझ तो गर्म तो ही मारी जानी है जी। सड़ जाएगा गर्म पे ना मारो इसे, हमेशा नॉन स्टिक इसके ऊपर लकड़ी यूज। दूर जरूर डाल दिया, बीच में उसने कहा था छोड़ दो, मैं डाल दो, वो खुद ही अपनी शेप। फातिमा आज उसने आहिस्ता कहा था तो आइस बिल्कुल लास्ट पे है। मैंने तुमने चूल्हा बंद कर दिया, एंड पे किया चूल्हा बंद, देखो देखो ऑन है, ऐसा ही था उसने। नहीं होता, नहीं होता, क्या आ गया ना उसने कहा था। फातिमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ना लगाओ मेरे पैर। शुक्र है जैसा YouTube वीडियो में देखा था वैसा ही बना है। आई एम वेरी 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 हैप्पी। सेंटर में डालो, पहली बार कुकिंग की है YouTube से देख के। चल जल्दी पक, तुम भी ना। अरे देवा रे देवा बाबा, सड़ गए हैं, जल गए, 3 जल गए, तो वो सड़ गया। ये अच्छी शक्ल आई है, वो बड़ा क्या गोल्डन कलर निकला यार। 3 जल गए हैं और 2 सही है, कोई बात नहीं, ऐसे कामों में तो ऐसा होता है। हाँ स्मेल आ रही है, 2 जल गए हैं ना इसीलिए। पैनकेक भी हो गए हैं और ये डोरा केक भी हो गए हैं। डोरा केक यार ये बहुत प्यारा आया यार, है ना, छुरी लेके आओ बस इतनी चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये बच्चा देख रहा है तो अपनी मम्मा से जिद करे, करे के बना के, ये मम्मा हमें भी बना के दे। वालेकुम सलाम, डोरा केक्स बना रहे हैं, खाएंगे अभी आपको टेस्ट कर। तो गाइस हमारे घर अरीब भाई भी आ चुकी हैं, उनको भी टेस्ट करवा देंगे कि हमने कैसे बनाए। फर्स्ट एक्सपीरियंस फर्स्ट होता है, बट ये बहुत फिट किस्म का बना। वो बीच वाला देखो, आके ज़ैनब के हाथ लगे तो अच्छा ही बनेगा। ये हमारे बेटा छोटू बच्चू, ये भी डोरा केक खाने आया। हेलो फातिमा, डोरा ऑन डोरा केक, डोरा ऑन डोरा केक खाने आया, डोरा डोरा केक खाने आया। फातिमा शेफ, डोरा केक, डोरा केक टेस्ट करके आपने बताना कैसा। अरे ना हमारे खा के डोरा बन गया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा बना हुआ है। 10 में से 10 बहुत अच्छा बना हुआ है, 10 में से 0 50 रुपए का डिश की ओवर एक्टिंग है, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा। लो एक डोरा केक, खाओ खाओ खाओ। 10 में से कितने मार्क्स? ओह माय गॉड, प्रो मैक्स शेफ बन गई हो तुम। निकाह पे यही चलेगा, सही है। मेन बॉस जो है वो टेस्ट टेस्ट जेन्युइन जो फैसला ना मैं बताऊंगी। ठीक है खाएं, मुझे लगता है नकली तारीफ है। खाएं खाएं, टेस्टी। 10 में से कितने मार्क्स? 10 में से 10 मतलब कि मैंने अच्छा बनाया। केक नहीं लग रहा था, क्या मतलब है? मजे की रोटी टाइप ना, मीठी मिस्सी रोटी। ब्रो तूने तो टेस्ट ही नहीं किया। परफेक्ट, बहुत मजे का, बहुत मजे का, 10.10 इतना मजे का कि वो थोड़ा और मांग रही है। मेरे भी ज़रा, ये मुझे दे देना, उसको नया दे देना फातिमा। दोनों लड़ रही है अब डोरा केक के ऊपर, क्यों थोड़ा सा रह गया ना, बाकी सब चट कर गए, सब खा गए। अच्छा को टेस्ट करके बताएं कि ये कैसा है, कितना कितना मजे का। 100% झूठ, अच्छा बना है। पूरा खा रहे अगर अच्छा बना है। फिर ये बताओ अपने लकड़ी क्यों लग रहा है, जला हुआ क्यों है? एक शेफ दूसरे शेफ की तारीफ नहीं कर सकता। तो फाइनली मेरा ब्लॉग होता है खत्म। सबको मेरे डोरा केक्स बहुत पसंद आए थे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जो कमेंट्स में बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। बातों की बात है, मुझे ये क्यूट सी कैप बहुत अच्छी लगी थी।